अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकरण रूप से संचालित 103 होटलों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर निर्धारित समय पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जवाब न देने पर इन होटलों की बिजली पानी के कनेक्शन काटने के साथ इन्हें संबंधित विभाग सील कर देंगे। प्रदेश हाईकोर्ट और एनजीटी द्वारा इन होटलों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पहले भी मैक्लोडगंज व इसके आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकरण रूप से संचालित 160 होटल व गेस्ट हाउस के बिजली पानी के कनेक्शन दिसंबर 2017 में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर इस कारण काट दिए थे कि इन होटल प्रबंधकों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न पर्यटन विभाग के पास पंजीकरण नहीं करवाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 19 नवंबर 2018 को सिविल रीट पटिशन नंबर 8 ऑफ 2015 के तहत सुनाए निर्णय में धर्मशाला नगर निगम को अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के हेडॉक बेसिस पर बिजली पानी के कनेक्शन बहाल करने पर निर्णय सुनाया था। होटल प्रबंधन के लिए इसके लिए शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित विभाग इन निर्माणों पर जो भी निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा और जैसे भी ऐसे कनेक्शनों को काटने का फैसला लिया जाता है तो तत्काल कार्रवाई होने पर भी वे इस पर आपत्ति नहीं जताएंगे। अब जब एक वर्ष से अधिक का समय बीतने के बावजूद न तो इन अनधिकृत निर्माणों को नियमित करवाया गया और न ही संबंधित विभागों ने इन पर कार्रवाई अमल में लाई। कांगड़ा के अधिवक्ता अमन गुलेरिया ने मैक्लोडगंज और आसपास के क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से संचालित होटलों पर संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई न करने पर हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को एडमिट करते हुए धर्मशाला नगर निगम पर्यटन विभाग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन मामलों पर कार्रवाई करने की रिपोर्ट मांगी है। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पुलिस ग्राउंड में पुलिस फोर्स एंड ड्यूटी मीट आरंभ हुई जिसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। पुलिस फोर्स एंड ड्यूटी मीट में 500 पुलिस जवान भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मशाला खूबसूरत है, मैं यहाँ आकर प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि छोटे प्रदेश से 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसके लिए पुलिस विभाग को बधाई। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान दिन रात काम करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुलिस का जीवन व्यस्त होता है, पुलिस के लिए शारीरिक स्वच्छता अति आवश्यक है। सभी में काम को लेकर टीम भावना होती है, आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने में खेलों का अहम योगदान रहता है। ऐसे आयोजन पुलिस को कर्मगत बनाने में मदद करते हैं। राज्यपाल ने हिमाचल पुलिस से आह्वान किया कि नशे को खत्म और युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुलिस मीट में बेहतर प्रदर्शन करके पुलिस जवान खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मशाला में पुलिस मीट का शुभारंभ हुआ है। पुलिस कर्मियों को दिन रात जनता की सेवा और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी काम करना पड़ता है। ऐसे आयोजनों से पुलिस कर्मियों को अच्छा वातावरण मिलता है। मैं आशा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सजगता से काम करे। आसपास के राज्यों से जो बुराइयों की चीजें आ रही है जैसे प्रदेश को नशा मुक्त करने में कार्य करे। जिला मुख्यालय धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में पुलिस स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का आयोजन 17 से 19 नवंबर तक किया जा रहा है जिसमें 500 पुलिस जवान हिस्सा लेंगे। 17 नवंबर को पुलिस मीट का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। पुलिस मीट में पहली बार महिला पुलिस जवानों के लिए भी पहली बार स्पोर्ट्स पुलिस मीट में 6 इवेंट किए जाएंगे जिसमें वॉलीबॉल सहित एथलेटिक्स के अन्य इवेंट होंगे।
महिला जवानों को उत्साहित करने के लिए पहली बार अनूठी पहल की गई है। अधिकारियों के लिए दो इवेंट करवाए जाएंगे जिसमें टेनिस और बैडमिंटन स्पर्धाएं होंगी। 19 नवंबर को पुलिस मीट के समापन समारोह में सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होंगी। विभिन्न प्रतियोगिताएं पुलिस ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड और साई मैदान में आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 17-18 नवंबर को शाम को सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में होंगी। डीआईजी नॉर्थ रेंज संतोष पटियाल ने बताया कि पुलिस स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट 17 से 19 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ 17 नवंबर को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। प्रतियोगिता में 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन 19 नवंबर को सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। प्रतियोगिता में महिला व पुरुष कर्मचारियों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करवाई है। पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होगी, जबकि महिला वर्ग में वॉलीबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में पुलिस की 3 रेंज और 4 सेंट्रल यूनिट व बटालियन की टीम आती है, जबकि 5 महिला पुलिस कर्मियों के अलग से हिस्सा लेंगी।